नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तुला राशि वालों, अधाई हो धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी चले आपकी राशि में। अब आपकी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। जी हाँ, बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर सफलता की चाबी आपके हाथ लगने वाली है, और अब आपके जीवन में बेशुमार धन दौलत की बारिश होने वाली है। सुख समृद्धि धन वैभव की बरसात होगी। दोस्तों, राज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब गरीबों और परेशानियों से पीछा छूटने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और हो सके तो वीडियो को बिल्कुल अकेले में ही देखना। अपने घर के कुंडी दरवाजे लगाकर ही वीडियो देखना। आज की वीडियो सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जो बड़ी खबर आपको मिलने वाली है, यह खबर सबको चौंका कर रख देंगे। दोस्तों, मैं फुल गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि सच सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। जी हां, धन के मालिक, धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी अब आपकी राशि में लंबे समय तक विराजमान होने जा रहे हैं, और भगवान कुबेर महाराज जी ऐसा तोहफा अब आपको देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब बनेगी ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर राशि आपकी राशि। इसलिए अब मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर ढोल और नगाड़ा दोनों बजाना पड़ेगा। जी हां, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी के असीम आशीर्वाद से अब आपके जीवन काल में इतना सारा पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जी हां, पैसा गिनते गिनते आप थक जाओगे। अगले 24 घंटे के भीतर 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और वह भी पैसों से संबंधित। जी हां, एक प्रकार से यूं कहें कि 5 जगह से पैसा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, अब बिना बदल के बरसात होगी, और यह सब देखकर आपके दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, क्योंकि अब आपके घर में खुशियों का डमरू बजाने वाला है। पूरा परिवार एक साथ खुशी से नाचने लगेगी। जी हां, क्योंकि वह खुशनुमा पल आपके जीवन में लेकर आ रहा है, जिन पलों का आपको सदियों से इंतजार था। जी हां, बता दें कि अगले 24 घंटे के भीतर 5 बड़ा शुभ समाचार और 2 बड़े सरप्राइज आपको मिलने वाला है। जी हां बेटा, भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन काल में तरक्की के सभी दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। जी हां, इसलिए चिंता करने के दिन अब खत्म हुए। आपके आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर अचानक होगा बहुत बड़ा उलटफेर, जिससे कि आपको मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। और बता दें कि यह खुशखबरी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। जी हां, बस सिर्फ एक बार इस वीडियो को अंत तक देख लो। नक्षत्र की छाल के हिसाब से आज की इस वीडियो का निर्माण हुआ है, इसलिए बिना देर किए, बिना काटे, बिना स्किप किया वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन उससे पहले भगवान कुबेर महाराज जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, इतने भी प्यार भक्त हैं, उन सभी भक्तों से मेरी दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इन प्यारे हाथों से जय कुबेर महाराज जरूर लिखें। इससे भगवान कुबेर महाराज जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी दुख दूर करते हैं। तो आप जरूर लिखिएगा दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी बरसों की तपस्या का फल मिलने वाला है। जी हां, और यह आपके अच्छे कर्मों का फल है। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि पूरे मोहल्ले में आपकी चर्चा होगी। जी हां, एक प्रकार से यूं कहें कि नोटों से भरा बैग मिलने वाला है। जी हां, और यह खजाना आपको भगवान कुबेर महाराज जी स्वयं अपने हाथों से आपको गिफ्ट करने वाले हैं। जी हां, भगवान कुबेर महाराज जी के घर देर कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं होते हैं। जिन लोगों को भगवान के ऊपर भरोसा होता है, वह लोग खूब लाभ उठा रहे हैं, खूब सारा धन दौलत प्राप्त कर रहे हैं, और जो इंसान घमंड में जीता है, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मैं घमंडी लोगों को इस वीडियो से दूर ही रहने को कहूंगा, क्योंकि घमंडी लोगों से भगवान भी दूर रहते हैं। घमंडी इंसान किसी का नहीं होता है। जैसा कि पत्थर को भी अपने आप पर बहुत घमंड था, लेकिन जब पत्थर का नदी से सामना हुआ तो वह डूब जाता है। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर ऐसा ग्रह गोचर आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे कि कई सारे बदलाव आपकी जिंदगी में देखने को मिलेगा। सबसे पहले नौकरी पैसा जातकों के जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन के योग्य बनेंगे, और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। जी हां,
क्योंकि धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी दिखाएंगे अपना चमत्कार। जी हाँ, पूरे 100 किलो की मिठाई बांटने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, देखिए दोस्तों, जीवन में कभी एक आध बार ऐसा जरूर होता है कि सारी दुनिया पीछे पड़ जाती है और समय भी साथ नहीं देता है। सारे लोग मुंह फेर लेते हैं, सारी मेहनत बेकार चली जाती है, सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं। यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि जीवन में हर तरफ से मुश्किलों का ही सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिक्कत बहुत होती है, घबराहट होने लगती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है और आर्थिक अभाव भी होने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत परेशान होने लगता है। और हो सकता है कि आप लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति चल रही हो कि सारी चीज आपके विरुद्ध चल रही है, सारी चीज आपके खिलाफ चल रही है। आप चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और उसका परिणाम कुछ और ही मिलता है। लोग मतलब कुछ और निकालते हैं, आप बात कुछ और कर रहे हैं और लोग आपकी सही बात का भी नाजायज मतलब निकाल रहे हैं, फालतू की अफवाह फैला रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा चल रहा हो, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी नेगेटिविटी जीवन में आ जाए, अगर आप एक बार इस बात का ध्यान रखें कि यह पहली परीक्षा है और आखिरी परीक्षा है और अब आगे आने वाली समय अवधि में आपके जीवन में कभी नहीं होने वाला है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं बता दूं कि जब जिंदगी एक बार अत्यंत दुखद मोड़ पर जाती है तो उसे समय अवधि में कुछ लोग काम करना बंद कर देते हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग तकलीफों के कारण, चुनौतियों के कारण जीवन में वह कार्य करना, वह प्रयास करना बंद कर देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा खतरनाक समय जरूर आता है जब दुनिया की कोई ताकत साथ नहीं देती, सिर्फ उसका हौसला और ऊपर वाले का विश्वास, यानी कि भगवान के ऊपर किया गया विश्वास ही साथ देता है। इसलिए अगर इस दुनिया में, इस धरती पर विश्वास करना है तो दो ही जगह विश्वास करिए, एक खुद पर और दूसरा अपने भगवान के ऊपर, क्योंकि इन दोनों के अलावा और इस दुनिया में कोई अपना और पराया नहीं होता है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है और आप इस समय अवधि में अपने खाली समय का आनंद लेंगे। और बता दें कि आप अपने जीवन साथी के साथ धन से जुड़े किसी मामले को लेकर हो सकता है कि विवादित स्थिति बने, उससे पहले ही आपको सावधान रहना होगा और शांत स्वभाव से सभी समस्याओं का सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, समस्याएं सभी के जीवन में आती है, लेकिन समस्याओं से कभी घबराना नहीं है, डटकर उनका सामना करना है। जी हां, क्योंकि हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। समस्याएं हम सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन उसे समय अपने मन को शांत रखिए और शांति मन से समस्याओं का समाधान ढूंढिया, उसे समस्याओं का समाधान आपको जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, इस समय सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, लेकिन अगले 24 घंटे तक बेवजह किसी से बातचीत करने से बचना होगा, क्योंकि लोग बेवजह आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। फालतू और नेगेटिव लोगों से बचकर रहे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, जब तक आप सही मार्ग पर चलाते रहोगे तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमेशा अच्छे कर्म करना, लोगों का भला करना, इससे भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी। देखिए दोस्तों, आज आपको अपने आरामदायक स्थिति से बाहर निकालकर कुछ गंभीर प्रयास करने होंगे, कुछ कुछ सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि आपका पीछा करने वाली है, तो उन जगहों पर आपको विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत होगी। जी हां, देखिए दोस्तों, बिल्कुल परंपराओं के अनुसार चलने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए जीवन में थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना जरूरी है और जीवन में कुछ हटकर करने की आवश्यकता होगी। यदि कामों में सफलता नहीं मिल पा रही है तो काम बदलने की जरूरत नहीं है, कामों को दूसरे तरीके से करने की जरूरत है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वह काम आपके लिए परफेक्ट है और इस कामों से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, उसे काम को दूसरे तरीके से करने की जरूरत है।
जी हां, देखिए दोस्तों, आज के दिन सफलताओं से भरा रहने वाला है। सितारे कहते हैं कि आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। खुद को खुश मिजाज रखें, ध्यान रखें, पुरानी बातों को याद करके अपनी मानसिक चिताओं में ना पड़े तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। वैसे तो आज का दिन काफी शानदार रहेगा, धन भी मिल रहा है, व्यापार में भी लाभदायक स्थिति देखने को मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा चिंता सता सकती है, इसलिए पुरानी सभी चिताओं को छोड़कर वर्तमान समय अवधि में जीने का प्रयास करें और जितना आपके पास है और जो आपको मिल रहा है, जो ईश्वर आपको दे रहे हैं, उसी में खुश रहने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही दोस्तों, लव लाइफ की अगर बात करें तो आपके लव लाइफ में एक मोड़ आने वाला है, इसलिए सावधान रहे। लड़ाई झगड़ा बाद विवाद की स्थिति बन सकती है, जितना सावधान रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। यह समय पुरानी सभी चिताओं को भूलकर आगे बढ़ने का समय है और जीवन में जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। यह सोचकर आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहे। वर्तमान समय अवधि में जो आपके साथ हो रहा है यह भी बेहतर हो रहा है और आने वाले समय अवधि में जो आपके साथ होने वाला है वह भी बेहतर ही होने वाला है। इसलिए भगवान के हर एक फैसले से खुश रहो, क्योंकि ऊपर वाले का फैसला कभी गलत नहीं होता है। प्यार, पैसा और परिवार, तीनों का सुख आपको एक साथ मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि आपके परिवार में तीन बड़े भयंकर बदलाव होने जा रहे हैं। दुख दर्द का घड़ा भर चुका है, सावधान हो जाइए दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव शंभु जी के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में बन चुका है शिव योग, कार्य सिद्ध योग, सौभाग्यवान योग, राजयोग, धन योग, नौकरी योग साथी, सात सर्वर, सिद्ध योग जैसे अत्यंत दुर्लभ योग आपकी राशि वालों की कुंडली में बने हैं, जिसमें कि मेरे प्यारे मित्रों, अब आपको भगवान शिव शंभू और कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर देवों के देव भगवान भोलेनाथ और भगवान बजरंग बली जी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, आपकी किस्मत में चार चांद लग जाएगी और जीवन आपका पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हां, क्योंकि अचानक से आपकी कुंडली में इतने सारे योग बनने से आपकी किस्मत घोड़े से भी तेज दौड़ने लगेगी। जी हां दोस्तों, महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी की आशीर्वाद से यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो किस प्रकार से यह अगले 24 घंटे का समय रहेगा और कौन कौन सी वह पांच बड़ी खुशखबरी मिलेगी, यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। क्या सावधानियां अगले 24 घंटे तक आपको व्रत नहीं है, कौन से उपाय करनी है, यह भी हम आपको बताएंगे। वीडियो के बीच बीच में उपाय है, सावधानियां हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, खुशखबरी है, इसीलिए कुल मिलाकर आज की है वीडियो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आपकी समय की बर्बादी जरा सी भी नहीं होगी, क्योंकि परम भाग्यशाली योग बनेगा और अप्रत्याशित लाभ देगा। अब अचानक से आपके जीवन में एक नया जादू होने वाला है। जी हां, क्योंकि महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी के आशीर्वाद से अब आपका भी समय आ चुका है। अब आप अपने संघर्ष भरी जीवन से बाहर आने वाले हैं। दोस्तों, तैयार हो, जो जीवन का तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है। बहुत ही जल्द आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बस आप समय का सही सदुपयोग करना होगा। दोस्तों, समय बहुत बड़ा बलवान है, यह समय नहीं अच्छे अच्छों को बदल दिया है, इसलिए समय से बड़ा बलवान इस धरती पर कोई नहीं है। समय एक ऐसा जादू है जो कि मिनट में पता लगा देते हैं कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। इसलिए जीवन में कभी कभी बुरा वक्त भी आते रहना चाहिए। मुंह पर तो सब कोई अपना अपना कहते हैं, लेकिन रियल में कौन अपना है यह हमें बुरा वक्त ही पहचान करता है। मेरे प्यारे मित्रों, याद रखिएगा, आपका अपना वही होगा जो बुरे वक्त में आपका साथ देगा। और आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह गोचर बना रहे हैं जो कि अपने और पराए में फर्क बताने वाले हैं। जी हां, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी अगले 24 घंटे के समय अवधि में होने वाला है। जी हां, इसलिए अगले यह 24 घंटे का समय आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। इस समय में आपको बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है और सभी कामयाबी आपके दिल को छूने वाली है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार आपकी कुंडली में होगा,
इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। समय बहुत ही कम है और खुशखबरी बहुत बड़ी है। जी हाँ, अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश मिलेगा, सुनकर आप नाचने लगोगे और आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार नाचने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं एक भी बात गलत नहीं बोलूंगा, यह मेरा वादा है आप सभी से। दोस्तों, भगवान बजरंग बली और भगवान शिव शंभू जी के आशीर्वाद से अब रोने धोने के दिन चले गए। जी हाँ, क्योंकि आपकी किस्मत ने मारी ऊंची छलांग। अगले 24 घंटे के भीतर आपकी करियर में 3 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसलिए आज जो इस वीडियो को नहीं देखेगा वह आगे बहुत पछताएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर होने वाली सभी घटनाओं के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या शुभ और सकारात्मक स्थिति बनेगी, किन जगहों पर आपको ध्यान रखना है और सावधानी बरतनी है, तो यदि आप जानना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस राशि के जितने भी जातक हैं सभी सरल स्वभाव के हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मदद के लिए जरूरत पड़ने पर हर हिस्सा खड़े रहते हैं। और साथ ही साथ इस राशि के जीवन में यह भी देखा गया है कि आप लोग दूरदर्शी क्षमता के धनी होते हैं, यानी कि समय से पहले आप लोग कुछ परिस्थितियों को भांप लेते हैं, यानी कि आगे होने वाली परिस्थितियों को आप पहले ही जान लेते हैं, पहले ही समझ लेते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ इस राशि के जातक जो लोग हैं घुल मिलकर रहने वाले होते हैं और बहुत ही जल्द लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बातचीत करने के मामले में काफी अच्छी कुशल देखे गए हैं और इस राशि के जातक अपने जीवन में अच्छी खासी सफलता भी अर्जित करते हैं। इसी के साथ इस राशि के जातक की वर्तमान की स्थिति को देखें, तो वर्तमान की स्थिति की बात करें तो पिछले समय अवधि से ही काफी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इस राशि के बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि गुरुजी, हम बचपन से ही अपने जीवन में संघर्ष देख रहे हैं और संघर्ष हमारे जीवन में शुरुआत से ही चल रही है। लगातार कठिनाइयां परेशानियां हमारे जीवन में चलती आ रही हैं। इसके साथ इस राशि के कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हमेशा बनी रहती है और आर्थिक समस्या भी जीवन में हमेशा ही देखने को मिली है। तो दोस्तों, अब आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि अब आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख तकलीफ दूर होने वाले हैं और आपको एक अच्छी जीवन मिलने वाला है, क्योंकि ईश्वर का साथ आपको मिलेगा। मुबारक हो, आपके जीवन का एक नया दरवाजा खुल चुका है। तैयार हो जाओ एक नए हमसफर के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी के आशीर्वाद से आपकी किस्मत संवर गई। जी हां, बता दें आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सोने पर सुहागा होने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, इसलिए अपने सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले आज की है वीडियो पूरा अंत तक देख लो, क्योंकि महाबली महाशक्ति सारे भगवान बजरंग बली जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बेटा, पूरे 100 किलो मिठाई का ऑर्डर दे दो, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपके पूरे गली मोहल्ले में मिठाई बांटनी पड़ेगी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, सभी के घर घर जाकर मिठाई बांटनी पड़ेगी और सबका मुंह मीठा करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 5 बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर यह जो 5 बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है, इसे सुनकर आपका दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देगा। जी हां, अगले 24 घंटे तक आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाले थे, क्योंकि आपके लिए 5 बड़ी खुशखबरी लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। तो अगले 24 घंटे के अंदर वह कौन कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, उसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। संपूर्ण 100% सटीक राशिफल बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी भगवान बजरंग बली जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और साथ ही अपने इन प्यारे हाथों से नीचे कमेंट बॉक्स में जय महावीर बजरंग बली जरूर लिखिए। भगवान बजरंग बली जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से सारे दुख दर्द कष्ट परेशानी समाप्त हो जाएंगे
और अगले 24 घंटे के भीतर आपको मिलेगी। एक बड़ी अच्छी खबर तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके नए जीवन का दरवाजा खुल चुका है। महाबली महाशक्ति, सारी भगवान बजरंग बली जी, नहीं आपके लिए खोल, आपके जीवन की एक नया दरवाजा। जी हाँ, अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां आने वाली हैं, और सबसे पहले वह खुशी आने वाली है जो खुशियां कुछ दिन पहले आपके जीवन काल से दूर हो गई थी। जी हाँ, अब वह खुशियां उल्टे पांव आपके जीवन काल में वापस आने वाले हैं, और यह सब देखते कर आपके दुश्मनों की हवा टाइट होने वाली है। जी हाँ, भगवान करे आपकी खुशियों की किसी की नजर ना लगे, ऐसे ही खुशी आपके जीवन काल में बरकरार बनी रहे। अगर आप चाहते हैं यह खुशियां ऐसे ही आपके जीवन काल में बरकरार बनी रहे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि महाबली महाशक्ति, सारी भगवान बजरंग बली जी के आशीर्वाद से अब आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकने वाली है। जी हां, अगले 24 घंटे के अंदर 5 बड़े परिवर्तन होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो केवल नसीब वाला ही देख पाएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो कुछ साधारण वीडियो नहीं है, बहुत ही मां भाग्यशाली वीडियो है। चुपचाप अकेले में ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि आपके जीवन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण वीडियो है। आने वाले अगले 24 घंटे तक किसी को भी कुछ मत बताना, यहां तक आपके साए को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खूब सारा तरक्की करें। देखिए दोस्तों, मुंह पर तो सब लोग कहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन रियलिटी यह है कि वह कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करें। देखिए दोस्तों, मौन रहना किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उनका बड़प्पन होता है, क्योंकि जिनका सहाना आता है उनका कहना भी आता है। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता है कि अपने जिंदगी को कितना दिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। इसलिए आप हमेशा प्रयास करें खुश रहने का, पर जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है तो वह है खुद को खुश रखना। आप खुद को तभी खुश रख पाएंगे जब आप खुद की तुलना एक दूसरे से नहीं करेंगे। जी हां, और हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, और यह बात भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी साफ शब्दों में लिखा है कि काबिल बना है तो गिरना तो पड़ेगा, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। जब आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आने लगे, एक के बाद एक मुसीबत आपकी जीवन में आने लगे, तब आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, और बहुत जल्द आपकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि सफलताओं का रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है। पतझड़ हुए बिना पैरों पर नए पत्ते नहीं आती। इस तरह कठिनाइयों और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन नहीं आते। खुद को माचिस की तिल्ली की तरह मत बनाओ, जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। बनाना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वह भी बुझ जाए। मन की जीवन में टेंशन ही टेंशन है, जीवन में दुख ही दुख है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। मेरे प्यारे मित्रों, यह कलयुग है, यहां पर हर किसी को अपने दुख दर्द की कहानी मत सुनाओ, क्योंकि यहां पर मलहम लगाने से ज्यादा नमक लगाने वाले होते हैं, क्योंकि मलहम हर किसी के घर नहीं मिलता है, लेकिन नमक हर किसी के घर होता है। इसलिए अपने दुख दर्द की कहानी एक दूसरे को सोच समझ कर ही सुनना। अगर बात समझ आई हो, मेरी इन बातों से सहमत है, तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिन के आगे बढ़ने के साथ चिंता भी बढ़ेगी, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने तक हिम्मत ना छोड़ें। हारना या जीतना नहीं, आपके प्रयास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपने निरंतर प्रयास किए हैं, लेकिन अभी इन्हें बनाए रखना होगा। समस्याओं की तह तक जाने की कोशिश करें, ताकि इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकें। आपकी भावनाएं आज उफान पर रहेंगी और आपको खासा परेशान करेंगी। अपनी भावनाओं के तूफान में बहकर कोई भी फैसला करने से पहले एक बार फिर से सोच लें। इस स्थिति में थोड़ी राहत पाने के लिए वे कार्यकलाप करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इस तरीके से आप मानसिक रूप से संतुलित होने तक अपने ध्यान को बांट पाएंगे। आज का दिन अपने संबंध को नए स्तर पर ले जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप पहले से किसी के साथ संबंध में हैं,
तो आज अंतिम रूप से इस पर मोहर लगा सकते हैं। यहां तक कि आप परिवार शुरू करने के बारे में भी सोच सकते हैं। जो अकेले हैं वे ऐसे किसी महत्वपूर्ण आदमी से मिल सकते हैं जो उनके भविष्य को काफी प्रभावित करेगा। अपने करीबियों के साथ समय बिताना न भूलें। आज का दिन नौकरी से संबंधित कार्यों के लिए काफी अनुकूल है। आपने हमेशा से ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य किया है और अतीत में हालांकि आपको उतना फल नहीं मिला, लेकिन अब भाग्य आपके लिए स्थितियां अनुकूल करेगा। आपकी काफी सारी परियोजनाएं सफलता के साथ फलित होंगी और आज का दिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने से नीचे कार्य पद पर तैनात सहकर्मियों से प्रशंसा पाने का समय है। नकारात्मकता से भरे छल्ली लोगों से दूर रहें। ये आपको भी नकारात्मक बनाकर असफल कर देने की कोशिश में है, जबकि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। शांति के लिए आज अपना अधिकतर समय परिवार के साथ घर पर बिताएं और सारा बाकी काम पूरा कर लें। कुछ मीठी यादें सहेजने के लिए अपने कमरे में उनका फोटो लगा दें। आज का दिन आपके लिए काफी उलझन भरा रहेगा। आपको कई तरह की सलाह तथा सभी दिशाओं में कई तरह के मौके दिखाई देंगे। आपको कई तरह की शक्तियां अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी, लेकिन हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें। इसके स्थान पर अपने मन की ही सुने। बेशक आपको इस वक्त अपने मन की सुनना और करना ठीक न लगता हो, आज से आप और आपके पार्टनर के बीच समझ और एडजस्टमेंट का एक नया दौर शुरू होने वाला है। आपके संबंध के सब जाले साफ हो चुके हैं और आप दोनों एक दूसरे को अब बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हो। इससे आपका संबंध और मजबूत ही होगा। दिन आपके लिए काफी आशाएं लेकर आएगा। आप संसाधनों से पूर्ण हैं और आज आप अगर गंभीरता से काम करते हैं तो धन कमाने का ऐसा अवसर आपको मिल सकता है जिसमें आपको खुशी महसूस होती है। इस बात की भी संभावना है कि आप कला की अभिरुचि को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। आपको विवेक से कार्य करना है, परंतु अपने दिल की सुनने की वजह से आपके धन और वित्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़ी किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका ना दें। आपने बहुत मेहनत से अपना डाइट कार्यक्रम तैयार किया है और उस पर चल रहे हैं। किसी क्षणिक लालच में पडीडीडीएच कर उस सारे अच्छे काम को व्यर्थ न करें। आपका कोई दोस्त या सहकर्मी आपको इसके लिए उकसा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको अगली सुबह कैसा महसूस होगा। आज आपके सामने ऐसे कई मौके आएंगे। अगर आप असफल हुए तो आपकी मूल्यवान ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। रिश्ते का सुनहरा नियम यह है कि आपको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। इस बार अपने दिल को अपने मन पर हावी होने दें। आपके आसपास के लोग आपके साथी को ढंग से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अपने प्रेम के जीवन में उनकी बातों को न सुने। अपने दिल की सुने और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की कोशिश करें। सबसे जरूरी चीज जो आपके लिए मायने रखती है वो है रिश्ते की पवित्रता। जो लोग सेवा क्षेत्र में हैं वे अपनी आय में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप खुलकर अपने विचारों को आवाज दें और ये सुनिश्चित रखें कि इसे सुना जाएगा। काम का बोझ जो दिन के मध्य में ऊंचा रहेगा, परंतु उम्मीद है कि दिन के अंत तक वह कम होगा। आप अपने एक सुरक्षित भविष्य के लिए एक बीमा पॉलिसी में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। दशा आपको शांत तरीके से अपने बारे में सोचने का मौका देगी। आपने पिछले समय में कई मौकों पर काफी कठोर ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अब आप मानसिक रूप से काफी शांत स्थिति में हैं। सुलह करने और संबंध सुधरने के लिए बहुत अच्छा समय है। खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को भी और दूसरों को भी एक दूसरा मौका जरूर दें। आपसे कितना भी तेज गति से काम करने की उम्मीद क्यों की जाए, आप आराम से सब काम पूरे काम कर पाएंगे। हालांकि यह आपको भी मानना होगा कि अगर आपका मूड अच्छा रहे तो आप समस्याओं को और भी अच्छे तरीके से सुलझा पाएंगे। इससे आपको नए जोश की अनुभूति भी होगी।
आपको ठंड या इसी तरह की कोई अन्य तकलीफ हो सकती है जो कम समय तक रहने पर भी तकलीफ देगी। इसका ध्यान रखें कि आप क्या छू रहे हैं और कई बार अपने हाथ धो लें। आप अपने पार्टनर के साथ बेहतर समझ बनाने के बारे में खुद से सवाल कर सकते हैं। आप इसी समय किसी और से भी प्रभावित हैं, लेकिन यह केवल यह एक क्षणिक आकर्षण है। आपका पार्टनर बहुत अच्छा है और आपको इन्हीं के साथ रहना है। अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएं, इससे आप शांत रह पाएंगे। आज्ञाकारी होना अच्छा है, लेकिन दूसरों के मुताबिक कार्य करना सही नहीं है। आप और आपके विचार सबसे अलग हैं। आपको जो सही लगे वह करें और लोगों की बातों में आने से बचें। आप अपने व्यय योजना में अपने खर्चों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सकारात्मक वित्तीय बदलाव आए, इसलिए आगे बढ़े और योजना को अंजाम दें। आप अपने विस्तृत होते हुए परिवेश के बारे में बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, लेकिन आपके परिजन इसी को लेकर निराश होंगे। जो आप करना चाहते हैं उसके लिए स्वयं को समर्पित कर दें। पर्दे के पीछे काम न करें, आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में जानने दें। अपनी जीवन में आए किसी नए दोस्त से आपको काफी लगाव का अनुभव होगा। आपको अपने किसी करीबी की अच्छी सेहत की खबर मिलेगी। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी प्रियजन की सेहत के बारे में चिंतित थे, तो आज उस बारे में भी राहत की खबर मिलेगी। आपका कोई करीबी लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, आज आपको उसका भी कोई समाधान मिल सकता है और यह बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आपके लिए आज भी अपने प्रियतम के करीब आ पाना मुश्किल रहेगा। वास्तव में आप उनके काफी करीब हैं, लेकिन अपनी अपरिपक्वता के चलते आप भावनाओं के बदले में उलझे हुए हैं। आप यह चाहते हैं कि आप दोनों शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही स्तरों पर और करीब आने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ और जान लें। इस भावनात्मक गुफ्तगू के बाद आपके रिश्ते में काफी मजबूती आएगी। काम के प्रयोजन के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा का भी योग है। आपकी कंपनी आपको दूसरे देश में भेज सकती है या कार्य प्रयोजनों के लिए आपके वीजा को मंजूरी आज मिल सकती है। हालांकि अगर आप पहले से ही अपने कैरियर के लिए एक विदेशी देश में तैनात हैं, तो निकट भविष्य में अपने गृह नगर या देश में लौटने की उम्मीद कम है। आज आप बहुत सृजनात्मक अनुभव करेंगे। खूबसूरती की प्रशंसा के साथ साथ खुद भी कुछ खूबसूरत चीज बनाना चाहेंगे। दिन कलाकारों के लिए विशेष अच्छा है। हालांकि आज शुरू किए हुए कार्यों को आज ही पूरा कर लें, क्योंकि अचानक आप विकर्षित सा अनुभव करने लगेंगे। यह भावना काफी सामान्य है, लेकिन आप इसके कारण बिना बात निराश सा अनुभव करेंगे। आप में अब सभी बाधाओं और चुनौतियों से पार पाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है जो आपके सामने आने वाली है। हालांकि कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनमें आपका काफी समय और ऊर्जा लग जाएगी। इससे आप बहुत थके हुए और तनावग्रस्त सा महसूस कर सकते हैं। इसके लिए पहले ही तैयार हो जाइए और अपना मनपसंद खाना पकाकर रखें, जिसका आनंद आप सारा काम करने के बाद उठा सकते हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको काफी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन यह समय वास्तव में इतना बुरा नहीं होगा। आप हाल फिलहाल ही किसी की ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को अभी अधिक महत्व नहीं दे रहे। आप उनके बारे में सोचते हैं, और अगर आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर सकें, तो यह आपके लिए जिंदगी का यादगार रिश्ता बन सकता है। आपको इस बात का आभास नहीं है कि आपके सहकर्मियों को कितनी चिंताओं और तनाव से गुजरना पड़ रहा है। अपने समय को बचाने की बजाय उनकी चिंता को समझना आपके लिए आज ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप फिर भी बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको कडीडी ढाई से सबक मिल सकता है। आपको एक नए घर का स्वामित्व मिल सकता है। आज दुविधा और उलझन की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन यह बस ऊपरी आवरण है। जैसे ही स्थिति साफ होगी, आप वास्तविकता को देख पाएंगे। शुरुआत में सब कुछ उलझा हुआ सा लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ सब ठीक होगा। अपना समय लें और चलते रहें, आपको सफलता मिलेगी। परिवर्तन तो जरूर होंगे, लेकिन आपके भविष्य के लिए शुभ साबित होंगे। आप दूसरों की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अपनी सेहत के बारे में लापरवाह हैं। इससे बेहद जल्दी आपका संतुलन बिगड़ जाएगा और आप मानवता की सेवा करने का अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद को तरोताजा करें और शरीर को ताजगी देने के लिए
गर्म पानी में यूकेलिप्टस ऑयल की कुछ बूंदें डालकर नहाएं, इससे मन को ताजगी मिलेगी। अपने साथ ऐसी जरूरी चीजें हमेशा रखें और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताएं। आप जितना समय अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, अपने व्यस्त शेड्यूल तथा कई बाहरी कारणों के चलते उतना समय नहीं दे पाएंगे। आपका अधिकतर समय अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरी करने में ही निकल जाएगा। अपनी भावनाएं अपने पार्टनर को बताना न भूलें और आप पाएंगे कि वह आपकी सोच से भी कहीं अधिक समझदार हैं। आज के दिन हालांकि आप अपनी नौकरी और कार्य क्षेत्र से काफी संतुष्ट हैं, परंतु क्रोध के कारण आप अपना आपा खो सकते हैं और किसी सहकर्मी से आप विवाद में फंस सकते हैं। इन घटनाओं की वजह से कोई लापरवाही भरा निर्णय न ले जो कि आपके लिए अच्छा ना हो। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आप इन घटनाओं की वजह से ऐसी नौकरी छोड़ डच सकते हैं जिससे आप काफी संतुष्ट हैं। आप ऊर्जा से भरे हैं और बहुत अच्छे मूड में भी हैं। दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं। अपनी खुशी में खोकर आपका ध्यान भविष्य के खतरों से हट सकता है। घबराए नहीं, किसी आदमी से कोई नुकसान होने की आशंका नहीं है, केवल आपका पेट अपच वाला अधिक भोजन करने के कारण खराब हो सकता है, जिससे आपकी सेहत पर असर पड़ी डीएच सकता है। आपके शरीर ने आपका बहुत साथ दिया है और लगातार आपके लिए काम करता रहता है, इसीलिए आपके लिए भी यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपने शरीर के लिए कुछ करें। आपको खूब एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आपके शरीर को सामान्य काम करने में भी कोई तकलीफ आ रही है तो इसे ठीक रखने के लिए सावधानी बरतें। ऐसी एक सावधानी है, पानी की मात्रा बढ़ाना। चलिए दोस्तों, अब समय आ चुका है उपाय की। हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। यदि आप नौकरी या कारोबार में बार बार घाटे का सौदा किए जा रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, आपकी इनकम नहीं हो पा रही है, आपकी इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो दोस्तों उसके लिए एक रामबाण उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। उपाय को ध्यान से सुनिएगा। सप्ताह में किसी शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना है और काले कुत्ते को भोजन करना है। जी हाँ, ऐसा 3 से 5 शनिवार तक करना है। इससे आर्थिक हानि का संकट दूर होता है और आपको नौकरी व कारोबार में मनचाही सफलता मिलती है। जी हाँ, 3 से 5 शनिवार आप करके देखिएगा फर्क। आप अपने जीवन काल में खुद आप अपनी आंखों से देखोगे। जी हाँ, क्योंकि इस उपाय को करने से न्याय के देवता भगवान शनि देव जी प्रसन्न होते हैं, जिससे कि जीवन के सभी संकट दूर होने लगते हैं। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।